आदमी अभी तक हमारा जो जीवन है वो फेलुअर से बना है। आराम तलवी, जब मुश्किलें आती हैं तो अंदर से एक आवाज़ आती है कि छोड़, रहने दे। मन बहाने ढूंढता है कि इतने लोग हैं, इनसे नहीं हुआ तेरे से भी नहीं होगा। हेलो, ये मेरे साथ हुआ। बहुत ऐसी घटनाएं हुई पहले 100 दिन में, पहले 2-3 महीनों के अंदर। ऐसी रात जब मैं एक प्लेटफॉर्म पे मैंने पेपर बिछा के काटी, बहुत बारिश हो रही थी, उस दिन मेरे को लगा कि बस अब नहीं, आज के बाद नहीं। लेकिन कुछ लोगों को सुना था, कुछ टेप सुने थे, कुछ किताबें पढ़ी थी, एक दूसरी आवाज भी चलती थी कि नहीं, तुमने जो शुरू किया है उसको अंजाम तक पहुंचाना है, चलो। ऐसी रात आपके जीवन में आ सकती है। मेरी बात और है कि मैं अगले दिन भी चला। आप नहीं चलोगे, आप छोड़ दोगे? छोड़ोगे? एक रात मैं हल्द्वानी से बरेली आया, रात के 2 बजे थे। आगे जो जहाँ मुझे जाना था वो 3 घंटे का सफ़र था, और वहाँ 5-6 बजे पहुँच के मेरा किसी ऑफिस में जाना मुमकिन नहीं था। जेब में पैसे उतने नहीं थे कि मैं होटल में रुकूं। मैंने एक बस ली जिसमें केवल 100 रुपया ज़्यादा किराया लगे, लेकिन वो घूमती घूमती जब वहाँ पहुँचे तो सुबह 9 बज चुके हों। उस रात मन में ये ख्याल आया कि बस ये आखिरी यात्रा है इस बिजनेस को लेके, अब के बाद नहीं। लेकिन उसके बावजूद जो पढ़ा था, जो सुना था, उसने फिर बोला कि तुम्हें उसको अंजाम तक पहुँचाना है जो तुमने शुरू किया है। मैं अगले दिन भी चला, लेकिन आप ऐसे में छोड़ दोगे? एक रात ट्रेन छूट गई, बस छूट गई। एक चौराहे में मैं खड़ा, इस तरह की ड्रेस में, एक ब्रीफ केस मेरे पास। ट्रक को मैं हाथ दे रहा कि शायद कोई मेरे को लिफ्ट दे दे। एक ट्रक रुका, मैं उसकी खिड़की की तरफ लपका। उसने बोला कि नहीं, पीछे सवार हो जाओ। पीछे सवार हुआ तो उसमें 6 लोग और थे, 4 भैंसें, 2 उनके बच्चे। मैं पीछे खड़ा ना होके अगली तरफ गया ताकि गिरने से बच जाऊं। आगे फ्रंट में जो रॉड थी उसको मैंने पकड़ा। दिसंबर की रात, मैंने उसको क्या पकड़ा, उसने मेरे को पकड़ लिया, इतनी ठंडी थी वो। मेरे पांव टकने तक गोबर में सने हुए थे। एक भैंस इधर से कमर हिलाती तो मैं उधर चला जाता, वो उधर से हिलाती तो मैं इधर आ जाता। बहुत ठंडी सर्द हवा मेरे चेहरे पे लग रही थी। मैंने उस रात सोचा कि इस रात अगर मैं इस सफ़र में नहीं होता तो मैं कहाँ होता? अपने घर पे होता, अपने 2 बच्चों के बीच में उनके सर पे हाथ रख के शायद सो रहा होता। मैंने एनालिसिस किया कि तुम्हारे पीछे कोई लगा हुआ है क्या? क्या शर्त है? क्यों दीवाने हो? घर में सब कुछ है। लगा कि बस आज आखिरी रात है, इसके बाद नहीं। सुबह फिर एक दूसरी आवाज चली अंदर से, यू विल हैव टू फिनिश इट व्हाट एवर यू हैव स्टार्टेड। मैं अगले दिन भी चला, मेरी बात और थी, आप छोड़ दोगे? विजन इसी तरह से है जैसे एक टैंक। इसमें आज आप जो डाल रहे हैं वो है एनर्जी, विजन। आपको आज समझ आ रहा है कि 2 साल काम करना है, आपको समझ आ रहा है कि 6 महीने कुछ भी ना मिले तब भी चलते रहना है, आज आपको समझ आ रहा है। लेकिन 15 दिन बाद, 1 महीने बाद कम होगा। क्यों? क्योंकि जो विजन की टंकी है उसकी एक नेचर है कि उसके तल्ले में एक छेद है। हेलो, ये नीचे से निकलता रहता है। लेकिन एक विजनरी आदमी समझ सकता है कि इसका इलाज क्या है। इसको बंद नहीं किया जा सकता, इस पर ढक्कन नहीं रख सकता।
अगर ये फुल रहेगा तो आप पूरी एनर्जी से दौड़ सकेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं दौड़ सकेंगे। ये फुल रहे इसके लिए एक ही काम करना है कि जिस अनुपात से निकल रहा है उसी अनुपात से ऊपर से डालते रहें। आज आप यहाँ बैठे हैं तो आपने उस अनुपात से ऊपर से डाला। आप 15 मिनट कल किताब पढ़ेंगे तो आप उस अनुपात से ऊपर से डालेंगे। आप एक टेप सुनेंगे, आप अपनी अपलाइन से फ़ोन पे बात करेंगे, उनसे मिलेंगे, काउंसिल करेंगे, वो सब सारी विधियाँ ऐसी हैं जिससे वो ऊपर से डलता रहे। एक प्रश्न भी तो चांस नहीं है कि जिस व्यक्ति ने आरसीएम बिजनेस शुरू किया हो वो रॉयल्टी और टेक्निकल पर ना जाए, अगर वो इस बात को समझ ले। हेलो, ये समझ ले कि ये लीक होना है, ये बिल्कुल 1000% तय है। सभी लोगों के पास होता है, सभी लोगों के साथ ये होता है। हर कामयाब आदमी, वो किसी भी फील्ड का क्यों नहीं हो, उसके पास एक मेंटर रहता है जो बार बार उसको जगाता है। हनुमान जी तक उनको भी जरूरत थी। हेलो, तो हमको विशेष नहीं है, सर्कल है पॉजिटिविटी से लेकर नेगेटिविटी तक। बहुत देर पॉजिटिविटी रहने के बाद एक बार नेगेटिविटी आएगी, बहुत देर एक्टिव रहने के बाद एक बार पॉजिटिविटी आएगी, लेकिन लीडर वो है जो इसकी अनुपात को कम करता जाए, नेगेटिविटी के सर्कल को कम करता जाए। और जब भी आप लगे कि डाउन है, उत्साह कम हो रहा है, नेगेटिविटी बढ़ रही है, झुंझलाट हो रही है, उस स्थिति में आपको एक ही चीज़ का अनुमान लगाना चाहिए कि इसका लेवल जो है वो नीचे आ रहा है। यू नीड टू फिल इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन।